इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं और वो आज मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं और इसके लिए वो गुवाहाटी पहुंच गए हैं और कल त्रिपुरा में पीएम मोदी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी असम में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, तो पहले मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और फिर असम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी अपडेट है आज की पीएम के कार्यक्रम से जुड़ी हुई। सबसे पहले आज पीएम मोदी मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, इसके बाद फिर वो गुवाहाटी अभी पहुंच गए हैं, जो फिलहाल इसमें अपडेट है कि इसके लिए पीएम गुवाहाटी पहुंच गए हैं। जानकारी ये भी है कि कल त्रिपुरा में भी प्रधानमंत्री मोदी नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं, आज असम में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पूर्वोत्तर के तीन राज्य जहां पर हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां तीनों ही राज्यों में बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सत्ता में बनी हुई है और ऐसे में ये पूर्वोत्तर दौरा तीनों राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे, वो इसमें शामिल होंगे, लेकिन साथ ही असम में आज एक जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। और इसी के मद्देनजर आपको ये भी बता दें क्योंकि आज प्रधानमंत्री गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और वो सबसे पहले मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। As the Chief Minister will be the chairman of the MDA 2, and that is Konrad Sangma will be the chairman of that. In the cabinet, out of the 12 members that are there, 8 will go to the National People's Party, 2 will go to the UDP, 1 will go to the HSPDP, and 1 will go to the BJP. हाल ही में तीन राज्य मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में नतीजों की घोषणा के बाद अब वहां नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। अब तीनों ही राज्यों में नई सरकारों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। मेघालय के शिलोंग में आज बीजेपी समर्थित सरकार शपथ लेगी, वहीं नागालैंड में भी आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 8 मार्च यानी कल त्रिपुरा में नई सरकार पद और गोपनीयता की शपथ लेगी। The MDA 2, that is Konrad Sangma will be the chairman of that. In the cabinet, out of the 12 members that are there, 8 will go to the National People's Party, 2 will go to the UDP, 1 will go to the HSPDP, and 1 will go to the BJP. तीनों ही राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बीच पीएम मोदी असम के गुवाहाटी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 मार्च को हुई मतगणना में तीनों ही राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। और सौमित सेन जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ। सौमित, तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या डिटेल है आज का, पूरा स्केड्यूल कैसे होने वाला है पीएम का? देखिए, कुछ देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही प्रधानमंत्री गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से वो शिलांग के लिए रवाना हो गए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आने से पहले सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है जो मेघालय की राजनीति में, जो एक पार्टी यूडीपीपी जो ज्वाइन नहीं कर रही थी गठबंधन में, वो भी अपने 11 सीटों के साथ ज्वाइन कर चुकी है और इस वक्त 60 में से 45 विधायक कॉनराड सांगमा के साथ है और आज 12 मंत्रियों के साथ कॉनराड सांगमा शपथ ग्रहण करेंगे और इस समारोह में उपस्थित होने के लिए हाजिर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। अमित शाह और जेपी नड्डा कल रात को ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे और आज सुबह सुबह ही वो हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले ही शिलांग पहुंच चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री शिलांग से जाएंगे कोहिमा, नागालैंड की राजधानी। यहाँ पर रियो जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी गठबंधन के साथ, क्योंकि बीजेपी को भी यहाँ पे 12 सीटें मिली है, बीजेपी सिर्फ 20 सीटों में चुनाव लड़ी थी और उनमें से 12 सीटों में बीजेपी को जीत मिली है, तो कुल मिलाकर 37 सीटें हैं बीजेपी गठबंधन के पास। और यहाँ पर भी सरकार की आज शपथ ग्रहण होगी। प्रधानमंत्री नागालैंड पहुँचेंगे करीब 2 बजे के आसपास, ये स्वेयरिंग इन सेरेमनी होगी नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ से फिर गुवाहाटी लौटेंगे और गुवाहाटी में शाम को 5 बजे तक गुवाहाटी में प्रधानमंत्री लौट के आएंगे और गुवाहाटी में 6:45 पर स्टेट गेस्ट हाउस में असम कैबिनेट की बैठक होगी और जहां पर प्रधानमंत्री कैबिनेट सदस्यों के साथ एक रिव्यू मीटिंग में शामिल होंगे कि जो केंद्रीय जो प्रोजेक्ट्स है, केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे। बिल्कुल, तो पहले मेघालय में और फिर नागालैंड में होगा शपथ ग्रहण और एक बार फिर गुवाहाटी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
News।